फ्रेंड्स, जो 6 दिसंबर के ऑफलाइन क्विज देख लेते हैं। सबसे पहले डेली क्विज, केबीसी का डेली क्विज पहला आ गया है। क्वेश्चंस: भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए राइट आंसर है। पहले डेली क्विज का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आईडीएफसी बैंक के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर है। डेली क्विज का दूसरे का ऑप्शन बी राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिल्म मुंबई पुणे मुंबई के सभी भागों का निर्देशन किसने किया है? ऑप्शन ए सतीश राजवाड़े। तीसरे का आंसर ऑप्शन ए सतीश राजवाड़े, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए चौथी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। चौथे का ऑप्शन बी राइट आंसर है। डेली क्विज के चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन आ गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन क्या प्रदान करता है? ऑप्शन ए 5 लाख तक प्रदान करता है ऋण। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अभी हम लोग परी मैच की ओर बढ़ते हैं। परी मैच का राइट आंसर देख लेते हैं। महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था? ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जायसी। पहले का ऑप्शन बी राइट आंसर है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा था। दूसरे डेली क्विज की तरफ, सॉरी परी मैच के क्वेश्चन। पंचायती राज्य लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? ऑप्शन डी राजस्थान। दूसरे का ऑप्शन डी राजस्थान बिल्कुल सही जवाब है फ्रेंड्स। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन का परी मैच का चौथा क्वेश्चन आ गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए रेडक्लिफ रेखा। चौथे का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, सही जवाब। चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग परी मैच के। वाटर पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन सी 7। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। पांचवें का ऑप्शन सी राइट आंसर है। थैंक यू देखने के लिए।